ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। इस जीवन में सदा खुश रहना ये बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। संसार में यदि हम चारों नजर दौड़ाकर देखें तो बहुत कम लोग हमें खुश दिखाई देंगे। अधिकतर लोग अपने जीवन की किसी न किसी गाथा को लेकर परेशानियों से घिरे हुए नजर आते हैं। जिससे भी बात करो वो अनेक समस्याओं को लिए बैठा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो दूसरों की समस्याओं की चिंताओं को लेकर खुश नहीं रहते हैं। मेरे बाप ने ऐसा किया था, मेरी माँ के साथ ऐसा किया था, मुझे फलाने ने कभी ऐसे सताया था, मेरे बच्चे ऐसे हैं, वो मेरी सुनते नहीं हैं, वो सारी रात वीडियो गेम देखते हैं, इनका भविष्य क्या होगा। माताओं के लिए चिंता का विषय तो होता है जब उनके जवान बच्चे कुछ काम नहीं करते और बुरी आदतों में फंसे रहते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं किसी भी चीज के। परंतु हमें भगवान कहता है कि तुम्हें सदा खुश रहना है, खुशी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। अगर तुम भगवान के बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे तो संसार में भला और कौन खुश रहेगा। सोचने की बात है, जिन्हें स्वयं भगवान मिल गया हो, जिनकी पालना स्वयं पालन करता कर रहा हो, जिन पर रोज भगवान की नजर पड़ती हो, जिनके घर में भगवान मेहमान बनकर आ गया हो, जिन्हें उसने स्वयं परम शिक्षक बनकर सत्य ज्ञान दे दिया हो, वे ही यदि खुश नहीं होंगे तो संसार में कौन खुश रहेगा। तो हम सभी सवेरे उठकर अपने को खुशी में रखने के कुछ पॉइंट्स याद करें, ताकि सवेरे सवेरे ही हमारा मन खुशियों से भरपूर हो जाए। इस जीवन में मुझे क्या मिला, इस जीवन में इन आंखों के द्वारा मैंने क्या क्या देखा, हजारों बार भगवान को इस धरा पर अवतरित होते देखा, उसे भाग्य बांटते हुए देखा, उसने अपने बच्चों की प्यार से कैसे पालना की, उसको प्यार बांटते हुए देखा, भगवान ने कैसे सत्य गीता ज्ञान दिया, डायरेक्ट उसको गीता ज्ञान देते हुए देखा, हमने अपने कानों से उसके द्वारा गीता ज्ञान का श्रवण किया। कितने भाग्यवान हैं हम यदि संसार में हाथ उठवाया जाए कि कौन सबसे अधिक भाग्यवान है, तो वो हम ही होंगे। तो अपने भाग्य की स्मृति का टीका रोज सवेरे सवेरे अपने मस्तक पर अवश्य लगा लिया करें, और ध्यान रखें कि छोटी बातों के कारण हमें अपनी खुशी को खोना नहीं है। तो आज सवेरे से ही हम खुश रहने को अपना वरदान बना लें। मुझे बहुत खुश रहना है, कुछ भी हो जाए, कोई मरे या जिए, मैं तो बहुत खुश रहूंगा, बहुत खुश रहूंगी, मेरे जैसा खुश नसीब इस संसार में कोई भी नहीं है, मैं किसी दूसरे को नहीं देखूंगी, क्योंकि दूसरों को देखते ही, अवगुण देखते ही खुशी नष्ट हो जाती है। तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। बहुत अच्छी फीलिंग, अपने स्वरूप को देखेंगे, मैं डबल लाइट हूं, मैं बंधन मुक्त फरिश्ता हूं, मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूं, मेरा केवल एक परमपिता से ही संपूर्ण रिश्ता है,
वही मेरे आकर्षण का केंद्र है, वही मेरा सबसे ज्यादा प्यारा है और मेरे ऊपर निरंतर पवित्रता के सागर की किरणें पड़ती हैं। मैं फरिश्ता कमल आसन पर हूं, मैं उठकर कहीं भी आ जा सकता हूं, भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर दुखी आत्माओं को सकास देने का अनुभव करेंगे। ये बहुत सुंदर अनुभव होगा और इससे सारा दिन आनंद में बीतेगा। ओम शांति।